कई कैप्टेंस के साथ आपने खेला है यू स्टार्ट विद महेंद्र सिंह धोनी हाँ जी फिर विराट कोहली फिर रोहित शर्मा क्या फ़र्क है सब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं धोनी okay. भाई बहुत शांत और आ, बिल्कुल शांत रहना आ, और बैक करते थे बड़ा सपोर्ट सपोर्ट तो सके सारी करते और उनका तरीका वो था विराट एग्रेसिव कैप्टन रहे तो वो विराट एग्रेशन में खेलता था विराट क्टर ही डिफरेंट है मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि एक प्लेयर एग्रेसिव है जैसे शिखर एक अग्रेसिव प्लेयर है हाँ जी तो वो दिखता है ग्राउंड पे पर कैप्टन अग्रेसिव कैसे होता है मतलब वो आपको ब्रीफ करते समय एग्रेसिव रहेंगे फील्ड प्लेसिंग में अग्रेसिव रहेंगे आप गड़बड़ कर गए प्लान के साथ से नहीं कर पाए आ, एग्रेसिव, मतलब जैसे धोनी भाई है धोनी भाई की पर्सनैलिटी बड़ी काम पर्सनैलिटी है चाहे कैप्टन बनू चाहे कोई बनो आपकी एक पर्सनैलिटी है आएगा जैसा आप बोल रहे थे अच्छा

आ, बिल्कुल आप सारी चिट्ठे खोल के लाए हैं पीछे पीछे के <laughs> तो वो है तो अब वैसे ही अब विराट है विराट का करेक्टर अलग है वो जब बैटिंग भीज अ बैट्समैन भी थोड़ा एग्रेसिव ही रहा है हमेशा hmm. मतलब वो उसको एग्रेशन दिखाने का भी शौक रहा है तो उस वो उस करेक्टर का कैप्टन रहे एनी डेली स्कूल ऑफ क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग गौतम गंभीर शिखर धवन विराट कोहली जैसे हम लोग यही कई कमेंटेटर्स बोलते हैं साहब ये कर्नाटक स्कूल ऑफ क्रिकेट है इसमें बड़ा ग्रेस टेस्ट मैच रहेगा ये तमिलनाडु स्कूल कोई ऐसा आपको लगता है या दिल्ली से जो प्लेयर्स आते हैं उनमें ये चीजें तो आपको कॉमन दिखेंगी देखिए नॉर्थ बेल्ट एग्रेसिव बेल्ट है और थोड़े नॉर्थ के लोग जो जिगरा होता है खारकू किस्म के होते हैं खारकू किस्म के होते हैं बिल्कुल तो वो तो रहता है, रहे रहे है।, <laughs> वो, वो है का कोई फायदा नहीं हाँ। बट तो वो, है और वो बहुत देती क्योंकि देती। जिगरा होना भी बहुत जरूरी है अगर जिगरा ही नहीं है तो फिर बंदा आपके पास जितना मर्जी टैलेंट हो वो आएगा नहीं बाहर तो वो अब जैसे चीकू है चीकू में बड़ा सेल्फ बिली था छोटे होते वो सोलह सत्रह का आया था मैं तो उसको जब 16 सत्रह का था तब आया था तो रणजी ट्रॉफी में तो अच्छा। में हम दो तब मैं उसे तीन चार साल पड़ा ना हाँ। तो वो तब आया था तब उससे मुलाकात हुई तो ही वो रहा उस वक्त और फर्क पड़ता है कि जैसे रणजी में विराट आपके अंडर में खेले टीम इंडिया में आप उनके अंडर में खेल रहे हैं कुछ केमिस्ट्री बॉन्डिंग या टसल नहीं कुछ नहीं होता ऐसा मतलब वो इंडिविजुअल अगर आप ईगो पे ले लो तो फिर टसल आएगी आई अगर ईगो पे नहीं ली तो फिर किस बात की टसल ये तो ईगो की बात आ गई ना अब मैं आगे दिमाग यार मैं इसका सीनियर ये मेरी तो वो तो फिर मेरी ईगो आ जाएगी वो वो फिर छोटी सोच है उसका कोई फ़ायदा नहीं वो लंबा जाना तो उसमें वो आपको फ़ायदा नहीं देगी वो चीज़ दोस्त हैं आपके विराट कोहली हाँ मेरे अच्छे दोस्त हैं अभी भी, भी, भी विराट बिल्कुल हंसी मजाक चलते रहते हैं क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर शेयर करते हैं तो जब जाते हैं तो फिर मस्ती करते हैं तो और अभी देखो अभी वो बड़ा सीनियर है टीम में तो सारे लड़, सारे लड़के यंग हैं तो मैं ऐसा हूँ कि मैं उसको खींच सकता हूँ उसकी टांग बच्चे नहीं खींच सकते तो अपने आप में विराट बहुत बड़ा प्लेयर है इतना इतना नाम कमाया इतने अचीवमेंट्स उसने अचीव किए हैं तो ऑफ़कोर्स एक रिस्पेक्ट तो रहती है बट अब हमारा प्यार बचपन से है तो फिर वो वैसे ही रहते हैं